मधुबनी जिले के बाबूवही थाना क्षेत्र के सिलखड़िया गांव में बीते सोमवार को रसोई पूजा को लेकर भंडारा आयोजित किया गया था। इसमें गांव के 60 से 70 लोग इस भंडारा में सम्मिलित हुए थे। खाने के कुछ समय बाद लोगों को पेट में दर्द और बुखार होना शुरू हो गया, जिसके बाद बीमार लोग गाँव के ही अस्पताल में इलाज करवाए। वही जब उन लोगों को उस दवा से ठीक नहीं हुआ और उससे ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद लोगों को इलाज के लिए उठकर मधुबनी सदर अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया और इलाज करना शुरू कर दिया। 12 लोग में से 3 बच्ची भी इस फूड प्वाइजन का शिकार हुए। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि उन सभी का इलाज चल रहा है। फूड प्वाइजन के शिकार हुए मरीज बंधन कुमारी उम्र 7 वर्ष, अमित कुमार उम्र 4 वर्ष, ज्योति कुमारी उम्र 5 वर्ष, आशा देवी उम्र 35 वर्ष, संगीता कुमारी उम्र 17 वर्ष, रामशंकर राउत उम्र 45 वर्ष, राम सुनर देवी उम्र 40 वर्ष, अंजलि कुमारी 14 वर्ष, राम प्रसाद राव 48 वर्ष, सत्यनारायण राउत 50 वर्ष, पंडित राव 50 वर्ष, चानो देवी 35 वर्ष, भगवती देवी 60 वर्ष, विभा देवी उम्र 25 वर्ष, जगरा देवी 25 वर्ष। इन लोगों को फूड प्वाइजन के मामले में अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि मरीज के द्वारा बताया गया कि सोमवार को भंडारा में खाना खाया गया था, इसके बाद से तबीयत खराब होने लगी। इसे देखते ही फूड प्वाइजनिंग के शिकार हुए हैं, वहीं इनका इलाज चल रहा है। फूड प्वाइजनिंग होने से मरीज के पेट में दर्द, बुखार, वोमिटिंग, लूज मोशन होना शुरू होता है। यह सभी लक्षण इन मरीजों में देखा गया है, इनका इलाज चल रहा है। एक मिनट, कैसे आप लोग तबीयत, इतनी तादाद में आप लोग आए हुए हैं, क्या अचानक कैसे तबीयत खराब हुई? भंडारा था आज सोमवार। अच्छा, भंडारा में साधु लोग खाना बनाया, रसोई खाना। अच्छा, तो वो लोग बना करके सब लोग खिलाया, वही साधु लोग खिलाया है, खाने के पॉइजन से। अच्छा, खाना की वजह से, पॉइजन की वजह से आप लोग को कब से तबीयत खराब होने लगी? पेट दर्द है ना, दर्द है, बुखार है। कब से हो गया? उसके एक दिन बाद से तबीयत खराब। उसके एक दिन बाद से तबीयत खराब हुई। अच्छा, वहाँ पे कितने भंडार, कितने लोग थे? 60 आदमी का भंडारा वहाँ पे। कहाँ पे था? कहाँ पे था? सलखनिया बाबूवही प्रखंड में। आपका नाम क्या हुआ? हमारा सत्यनारायण राव। सत्यनारायण राव, किस चीज़ का भंडारा था वहाँ पे? ऐसे साधु लोग के भंडारा होता है, साधु लोग के गोसाई को बैठाया था, तो सोचा। अच्छा, गोसाई पूजा को उसका भंडारा था। हाँ, उसी क्या में सब चीज खिलाया था आपको? दाल भात तरकारी। अच्छा, ये सब्जी, मतलब इसके खाने के बाद आप लोग को जो है तबीयत खराब होना स्टार्ट है? सब था, दही था, दूध था। अच्छा, दही दूध सब था, ये सब खाने के बाद आपकी तबीयत खराब होने लगी? उसी दिन होने लगी या फिर अगले दिन से? अगले दिन से तबीयत खराब होने लगी। कितना दिन पहले हुआ था भंडारा? सोमवार के हुआ, इसी सोमवार को। कैसे हुई घटना? हमारे गाँव में भंडारा था, ठीक है, हमारे यहाँ, और वहाँ पे मतलब महाराज जी लोग को खाना खिलाया गया, और उसके बाद खाना खिलाने के बाद जो अपना जो होता है रिश्तेदार, उन सबको बुलाया गया, लगभग 50-60 आदमी खाना खाया, उसके बाद किसी को कुछ नहीं हुआ। फिर इसमें जो 15-20 लोग था, उसको किसी को दस्त हुआ, किसी को उल्टी हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, और पैखाना जा रहा है। तो 3 दिन इलाज कराया घर पे, यानी खाना खाने के 12 घंटा बाद ऐसा शुरू हुआ, और 2 दिन इलाज कराया, 3 दिन नहीं सुधार हुआ, तो सोचे कि सदर अस्पताल लाकर दिखा देते हैं क्या वजह है नहीं है। कितने आदमी भंडारा में थे? 50-60 लोग शामिल था। कितने लोगों के अभी तक तबीयत खराब हुई? तबीयत खराब हुआ है वही 15-20 लोग का। 15-20 लोग? हाँ, यहीं यहाँ पे 10-12 लोग के लाए हैं, और गांव में ठीक हो गया। और गांव में ठीक हो गया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राधे श्याम है। भंडारा कहाँ पे था? भंडारा मेरे गाँव में। कहाँ पे? हमारे यहाँ सलखनिया में। सलखनिया में उसमें सुधार होगा। क्या वजह से किसी इतनी बड़ी घटना घटी? सोमवार, इन लोगों ने बताया है कि सोमवार को शायद इन लोगों के गांव में भंडारा था, तो भंडारा में शामिल होने के बाद इन लोगों ने जो भोजन लिया था, खाना खाया था, उसमें उसी के कारण फूड प्वाइजनिंग हुआ है, ठीक है। और फूड प्वाइजनिंग का लक्षण होता है, कि पेट में दर्द है, फिर ममूर ऐसा होता है, उल्टी होता है, पतला पैखाना होता है, जिसको देखते हुए जो चीज़ चलना चाहिए दवा के रूप में वो चला जा चुका है। मरीज अभी ठीक ठाक।
सर आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर विनय कुमार।